धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, कुछ जानकारी मिली आपको? मेरे को ये मिला है कि हमने टीम भेजी, उन्होंने बोला है कि तीन टीम ने भिजवाई है, दिल्ली गई है, पूना गई, किधर गई है। मैंने टाइम मांगा आपने सोच के 5-6 दिन का, जो भी सब करेंगे मतलब 5-6 रोज में, उन्होंने 5-6 रोज का आश्वासन दिया है कि 5-6 रोज में कार्रवाई करेंगे जी। तो क्या अभी आप ये धरना निरंतर जारी रखेंगे या समाप्त करेंगे? समाप्त करेंगे जी। और अगर 5-6 रोज में जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो पूरा नहीं होता है, फिर आगे का क्या होने बढ़ जाएंगे? होने बढ़ जाएंगे ठीक है। जी आनंद जी। हाँ जी, मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे धरना प्रदर्शन से पुलिस ने बहुत तेज़ी दिखाई है, सक्रियता दिखाई है, और पुलिस बहुत अच्छे से काम भी कर रही है। हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली, बहुत सारी जगह टीम भेजी गई है, और आज पुलिस जो उप अधीक्षक मैडम है, ASP महोबिया मैडम जो है, वो स्वयं आई थी और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, इस वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन जो है वो ख़त्म करें, बंद करें। इसलिए हम लोग 5-6 दिन के लिए, उन्होंने 5-6 दिन का टाइम भी मांगा है हमसे, लिखित में भी दिया उन्होंने, 5 दिन का उन्होंने कहा है, गारंटी लिए कि हम बच्ची को ला के दे देंगे, और यदि वो 5-6 दिन के अंदर ला कर नहीं देते हैं तो उन्होंने 5 दिन का समय बोला, हम 6 दिन देते हैं हमारी तरफ से, 10 दिन छठवें नहीं, 10 दिन के 6 दिन बाद हम पुनः धरने पर बैठेंगे, और जब तक बच्ची नहीं आएगी तब तक हम, भले वो आचार संहिता लगे या कुछ भी लगे, बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, तो हम पुनः धरना देंगे, ये आपको स्पष्ट कह रहे हैं। और इसलिए प्रशासन ये बिल्कुल भी ना समझे कि हम धरने से उठ रहे हैं तो आप सक्रियता अपनी कम कर लें, हम बिल्कुल मानने वाले नहीं। बच्ची नहीं आएगी तो दोबारा धरने पर बैठेंगे, और अब की बार हम बिल्कुल भी पलटने वाले नहीं है, फिर आप हाथ जोड़ो पाँव पड़ो कोई मतलब नहीं हमको, आप बच्ची ला के दीजिए, तब तक हम धरना जारी रखेंगे। महोबिया मैडम की बात पर हम बहुत भरोसा करते हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए हमने उनकी बात मानी। SP साहब आते तो हम उनकी बात नहीं मानते। हम भीम आर्मी, करणी सेना, OBC महासभा, जयस, कांग्रेस, सभी संगठनों का और आम आदमी पार्टी का हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं कि सभी ने हमें धरना में मदद की है, और सभी लोग हमारे आए, हमारा धरना प्रदर्शन को इन्होंने सफल बनाया, मशाल जुलूस में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, किसी ने ना जाति देखी ना पार्टी देखी, कुछ नहीं देखा, और सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मीडिया बंधुओं का भी मैं बहुत विशेष आभारी हूँ कि आपने हमें अच्छी कवर प्रदान की, प्रदेश स्तर तक इस मुद्दे को आप लेकर गए, और पुलिस विभाग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी इस बात को जो है पुलिस मुख्यालय तक इस बात को पहुँचाया है, और IB वालों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गृह मंत्रालय तक ये सूचना पहुँचाई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे धरना प्रदर्शन से पुलिस ने बहुत तेज़ी दिखाई है, सक्रियता दिखाई है, और पुलिस बहुत अच्छे से काम भी कर रही है, हमने इसकी पूरी जानकारी निकाली, बहुत सारी जगह टीम भेजी गई है, और आज पुलिस जो उप अधीक्षक मैडम है, ASP महोबिया मैडम जो है, वो स्वयं आई थी और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत है, इस वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन जो है वो ख़त्म करें, बंद करें। इसलिए हम लोग 5-6 दिन के लिए, उन्होंने 5-6 दिन का टाइम भी मांगा है हमसे, लिखित में भी दिया उन्होंने, 5 दिन का उन्होंने कहा है, गारंटी लिए कि हम बच्ची को ला के दे देंगे, और यदि वो 5-6 दिन के अंदर लाकर नहीं देते हैं तो उन्होंने 5 दिन का समय बोला, हम 6 दिन देते हैं हमारी तरफ से, 10 दिन छठवें नहीं 10 दिन के 6 दिन बाद हम पुनः धरने पर बैठेंगे, और जब तक बच्ची नहीं आएगी तब तक हम, भले वो आचार संहिता लगे या कुछ भी लगे, बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, तो हम पुनः धरना देंगे, ये आपको स्पष्ट कह रहे हैं। और इसलिए प्रशासन ये बिल्कुल भी ना समझे कि हम धरने से उठ रहे हैं तो आप सक्रियता अपनी कम कर लें, हम बिल्कुल मानने वाले नहीं, बच्ची नहीं आएगी तो दोबारा धरने पर बैठेंगे, और अब की बार हम बिल्कुल भी पलटने वाले नहीं है, फिर आप हाथ जोड़ो पाँव पड़ो कोई मतलब नहीं हमको, आप बच्ची ला के दीजिए, तब तक हम धरना जारी रखेंगे।
महोबिया मैडम की बात पर हम बहुत भरोसा करते हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर हैं, इसलिए हमने उनकी बात मानी। एसपी साहब आते तो हम उनकी बात नहीं मानते।